हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबको एक ऐसे तेल की रेसिपी बताऊंगी जिससे आपके बाल झड़ना तो कम हो जाएंगे पर उसके साथ साथ वो घने भी होंगे और उसके साथ वो लंबे भी होंगे। सबसे पहले हमने गुड़हेल की जड़ें ली हैं, ये बहुत ज़रूरी है इस तेल के लिए। फिर अगला हमने लिया है लहसुन, ये सिर्फ एक ही पोती लेनी है लहसुन की। लहसुन विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स में बहुत ही हाई होता है जिसकी वजह से हम ये सिर्फ एक ही ले रहे हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगली जो चीज़ है वो है नींबू। नींबू हमें छिलके के साथ ही लेना है, सिर्फ नींबू या नींबू का रस नहीं चलेगा, हमें छिलका भी साथ लेना है उसका। इस छिलके में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हेयर के स्कैल्प के इन्फेक्शंस को ट्रीट करते हैं। ये है नीम। नीम उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद माना जाता है। ये है कलौंजी। कलौंजी को मैंने इमाम दस्ते में कूट लिया है, इसे मैंने ग्राइंडर में नहीं पीसा। आप लोग चाहो तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हो, पर आयुर्वेदा में माना जाता है कि जड़ी बूटी पीसने से ज़्यादा कूटने पर असर करती है, इसीलिए मैं घर पर सब इंग्रेडिएंट्स को कूट लेती हूँ इमाम दस्ते के ज़रिए। ये है मेथी के बीज का पाउडर, ये भी मैंने इमाम दस्ते के ज़रिए कूटा ही है। थोड़ी मेहनत लगेगी पर फ़ायदा बहुत अच्छा होगा। मेथी सदियों से बालों की केयर करने के लिए यूज़ की जाती है, ये बालों को मोटा करने में मदद करती है। इसमें फॉलिक एसिड होता है और विटामिन ए, के और विटामिन सी भी। नीम बालों के झड़ने को रोकता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे हमारी जड़ मजबूत होती है। जो लोग को एलोपेशिया है, यानी कि जिसको बालों में गंजापन या फिर बाल पूरे ही झड़ चुके हैं, उनके लिए ये हिबिस्कस यानी कि गुड़हेल की जड़ें हैं। आयुर्वेदा में गुड़हेल की जड़ें बालों के लिए वरदान मानी जाती हैं। अगर आपके बाल पूरे से झड़ चुके हैं तब भी ये जड़ आपके बाल वापस लाने में मदद करेगी। हमारा अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है नारियल का तेल। ये तेल मैंने मेरे घर पर ही बनाया है। मार्केट में कई सारे नारियल के तेल हैं, कई सारे ब्रांड के हैं, पर कोई भी नारियल का तेल 100% प्योर नहीं है। इसी वजह से मैं घर पर ही बना लेती हूँ ये। अगर आप लोग को इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट करिए, मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। ये है जैतून का तेल। जैतून के तेल भी बहुत ब्रांड में आते हैं, पर ये फिगारो का जो है ये मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। मैंने कई ट्राई किए थे। अगर आप लोग ये ख़रीदना चाहते हो तो मैं बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब अगला इंग्रेडिएंट है गुलाब की सूखी हुई पत्तियाँ। स्ट्रेस लेने से काफ़ी लोग का स्काल्प जो है वो गर्म हो जाता है और ये पत्तियाँ उसे ठंडा करने में बहुत मदद करती हैं। और जो हम ये सब इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं इसके अलग अलग स्मेल होती है, तो गुलाब की पत्तियों से आपके तेल में एक अच्छी सी गुलाब की खुशबू भी आएगी जिससे आप लोग इरिटेट नहीं होगे, सुकून से आप लोग तेल लगा सकोगे। इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो बालों को घना करने में मदद करती है। अब मैंने एक नॉर्मल पैन ले लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ 50 ml 50 ml नारियल का तेल। आप ये ध्यान में रखिए कि आपके चूल्हे की जो आंच है वो छोटी होनी चाहिए, ज़्यादा आंच पर तेल आपका जल भी सकता है। नारियल का तेल आपके जड़ों के अंदर तक जाता है, बालों में पैदा होने वाले इन्फेक्शन से लड़ता है और उसको ट्रीट करता है। बालों में जो डैंड्रफ आती है उसे भी ट्रीट करता है नारियल का तेल। अब मैं 50 ml जैतून का तेल डाल रही हूँ। ध्यान रखिए तेल जल ना जाए, आपकी आंच छोटी ही होनी चाहिए। ऑलिव ऑयल आपके बालों को मॉइस्चराइज करता है, आपके स्काल्प में होने वाले इन्फेक्शंस को फाइट करता है। इसमें फैटी एसिड्स और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, बाल को नरम भी करता है। अब मैं 2 चम्मच पीसी हुई मेथी का पाउडर डालूंगी, मेथी के बीज का पाउडर। कहा जाता है कि बालों की परेशानियों के लिए
मेथी के बीज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये एक नेचुरल रेमेडी है जो आपके बालों को घना और मजबूत करती है, आपके बाल को एक शाइन देती है। अब मैं डालूंगी 2 चम्मच पीसी हुई कलौंजी। कलौंजी को ब्लैक सीड्स भी कहते हैं। माना जाता है कि कलौंजी मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज करती है। जो लोग को एलोपेशिया है या जो लोग को गंजापन आ गया है वो लोग ये ट्राई करें, पर अगर आप लोग को दूसरे इफ़ेक्टिव हेयर पैक्स या हेयर ऑयल्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कर मुझे बताइए, मैं वो शेयर करूँगी आप लोग के साथ। अब मैं डाल रही हूँ नींबू। ये याद रखिए, नींबू छिलके के साथ ही होना चाहिए वरना उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितने न्यूट्रिएंट्स नींबू के छिलके में पाए जाते हैं वो नींबू में नहीं होते, और नींबू के छिलके से ही हमारे बालों में पैदा होने वाली इन्फेक्शंस जाती हैं। अब है गुड़हेल की जड़। गुड़हेल की जड़ ये बेस्ट है उन लोगों के लिए जिनको गंजापन आ चुका है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। गुड़हेल की जड़ गुड़हेल के फूल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक गुड़हेल का झाड़ ही गंजेपन के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है। अब बारी है गुलाब की पत्तियों की। जैसे आप लोग ने देखा है मैंने ये मिला दिया है। बस ध्यान में रखिए कि आपकी चूल्हे की आंच छोटी ही होनी चाहिए। ये इंग्रेडिएंट्स सूखे हुए हैं, अगर आप लोग तेज़ आंच पे पकाओगे तो वो जल जाएंगे। बस ऊपर से नहीं, जिस्म के अंदर से भी हमें ठीक रहना पड़ता है। आप लोग कोई भी तेल लगा लो, जब तक आपकी बॉडी अंदर से ठीक नहीं होगी आप लोग ऊपर से रिजल्ट्स नहीं देख पाओगे। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जिन लोगों को एलोपेशिया या जिसे गंजापन भी कहते हैं वो जिस्म के अंदर की प्रॉब्लम से होता है, ना कि आपकी स्काल्प की प्रॉब्लम से। पर अगर आप ख्याल रखेंगे, अच्छे से फॉलो करेंगे सब चीज़, तो आप उसे भी ठीक कर सकते हो। अब मैंने डाली है लहसुन। लहसुन में B6 विटामिन्स होते हैं। B6 विटामिन्स बालों के लिए बहुत अहम होते हैं। ये विटामिन्स के बिना कोई भी विटामिन्स आपके बाल पर वर्क नहीं करेंगे, इसीलिए लहसुन याद से डालिएगा। अब अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है नीम। ये रेसिपी मेरी नानी की नानी ने उनको दी थी और मेरी नानी से मुझे मिली है। ये देखा गया तो सदियों पुरानी रेसिपी है। अब हम एक कांच का शीशा लेंगे। मैं आप सबको बताऊंगी कि कांच का शीशा ही क्यों। कांच की मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा सेफ होती हैं और ये सालों तक भी चलती है। अब हम हमारा बनाया हुआ सारा तेल इस कांच के शीशे में डाल देंगे। ताकि हम हमारा तेल कांच के शीशे में डाल रहे हैं, हमारा तेल हमेशा फ्रेश रहेगा, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोग को हेयर सप्लीमेंट्स बताऊं जो बहुत फ़ायदेमंद भी है और अफोर्डेबल भी है, तो आप लोग कमेंट करिए, मुझे बताइए। अगर आप लोग जानना चाहते हो तो मैं आप लोग को एक डिटेल वीडियो बना कर दूंगी। आप लोग अगर जानना चाहते हो तो कमेंट कर बताओ मुझे। अब इसको हमें टाइटली बंद कर देना चाहिए। इसे बंद कर हमें 14 से 15 दिन तक इसे बंद ही रखना चाहिए। एक कोने में रख दीजिए इसको। अगर आप लोग के पास समर है, जिन के पास समर सीज़न चल रहा है वो 15 दिन इसे धूप में भी रख सकते हैं, और अच्छा फ़ायदा होगा। या फिर धूप नहीं है तो भी आप लोग नॉर्मली रख सकते हो। ये देखिए, ये मैंने 14 से 15 दिन पहले बनाकर रखा था मेरे घर और मेरे रिश्तेदारों के लिए। काफ़ी सारे लोग यही यूज़ करते हैं हमारे पास और सभी के बाल बहुत अच्छे हैं। अब इंग्रेडिएंट्स के सारे न्यूट्रिएंट्स इन्फ्यूज़ हो चुके होंगे। अब बारी है इसे छानने की। मैं आप सबको बताऊँगी कि ये छानते कैसे हैं। एक छन्नी ले लीजिए और एक कंटेनर ले लीजिए जिसमें आप तेल छानेंगे। अब मैंने अपनी ये बॉटल ली, अब मैं इसे छानने लगूंगी। ये देखिए ऐसे ऐसे।
आप लोग चाहें तो कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हो छानने के लिए, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए मैंने नॉर्मल स्ट्रेनर से ही छान लिया। फिर एक नॉर्मल से कंटेनर में आप लोग को ये तेल स्टोर कर लेना है। इसे हफ्ते में 2 से 3 बार लगाइए, पहले ही 2 यूज़ में आपको इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होती है, कलर ऐसा आता है इसका। अगर आप लोग को कुछ डाउट्स हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। काफ़ी सिंपल है, इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी सिंपल है, इसे बनाना भी सिंपल है। अच्छे से बनाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब तक के लिए टेक केयर।